झाबुआ जिले के ग्राम पारा निवासी मोहन भाई कर्मचारियों की तानाशाही और दादागिरी के चलते आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। मोहन भाई ने बताया कि वह किराए के मकान में रहते हैं और किराए की दुकान चलाते हुए अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। बिजली विभाग ने उन्हें 25,000 रुपये का बिल थमा दिया है, जबकि उसकी दुकान में ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसमें इतनी बड़ी राशि का बिल आ सके। उन्होंने CM हेल्पलाइन कलेक्ट्रेट पर आवेदन दिया, बावजूद इसके उसका निराकरण नहीं हो सका और बिजली विभाग द्वारा बिल नहीं भरने पर ब्याज चलाते हुए 29,000 का बिल दे दिया है। अगर उसकी शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो पेट्रोल साथ में लाए हैं और यहीं आत्मदाह करेंगे। इस पर SDM साहब बोले कि आपकी समस्या का हल किया जाएगा, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही जनसुनवाई का आयोजन होता है। झाबुआ से प्रेम सत्योगी की रिपोर्ट। दिया था फिर इन्होंने सितंबर में 25,000 का दिए थे, इसके पूर्व में मैं सारे बिल भरे हैं, इसकी मेरे पास बिल की सारी रसीद। सितंबर में 25,000 का दिया था वो आपने भरा था? नहीं भरा मैंने, ये तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ाते जा रहे ब्याज सहित बढ़ा के दे रहे हैं। पेट्रोल थोड़ा दिया था फिर इन्होंने सितंबर में 25,000 का दिए थे, इसके पूर्व में मैं सारे बिल भरे हैं, इसकी मेरे पास बिल की सारी रसीद। सितंबर में 25,000 का दिया था वो आपने भरा था? नहीं भरा मैंने, ये तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।